संबंध हमारा आपका बनता है, हमारे आपको गुरु बनाएंगे, हमारी आपकी सोच शिव को अपना गुरु बनाएगी। बस आगे से और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने जब शिव को गुरु माना था 1974 में, तो मुझको तो ये बात मालूम भी नहीं थी कि शिव गुरु है, मैं नहीं जानता था। मैंने जब शिव को गुरु बनाया तो मुझको ये पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं, मैंने उनको भगवान समझ के गुरु बनाया। मेरे दिमाग में बैठिए गोरखनाथ शिव के शिष्य के शिष्य थे, शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ, उनके शिष्य थे गोरक्षनाथ। इतना पब्लिक नहीं कहूँ अति हो सके। अपनी जगह क्यों नहीं बैठते भाई साहब, उनको समझ में बात नहीं आती है, आगे क्यों बढ़ना चाह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। वहां क्यों नहीं बैठते, यहाँ खड़े हैं आप। एक मिनट लीजिए, कह रहा था कि जिस महादेव की पूजा हम आप अपने घरों में सदियों से कर रहे हैं, कई हजार वर्षों से कर रहे हैं, वो गुरु भी है और उनको बड़ी आसानी से अपना गुरु कराया जा सकता है। उनको अपना गुरु बनाएगा हमारा आपका मन। मैं कह रहा था कि जब मैंने शिव को गुरु माना था 1974 में, तो ये पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं, मैंने भगवान समझ के गुरु बनाया था। मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मैंने सोचा था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का ही नहीं है। भगवान मैंने शिव के बारे में सुना था कि शिव को भगवान कहा जाता है। मैंने शिव को गुरु भगवान समझ के मान लिया, मैं नहीं जानता था कि वो गुरु है। और भगवान समझ के जब मैंने शिव को गुरु माना तो 8 वर्षों तक मैं चुप रहा, किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी दूसरे को नहीं बताया कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, इसीलिए कि मुझको खुद ही भरोसा नहीं। क्या करता, बहुत सारे गुरु मेरे थे जिनको छोड़ के मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था। आप लोग शांत रहिए भाई, दाहिनी ओर शोर नहीं करिए, भाई ओर शांत हो गए, दाहिनी ओर शोर कर रहे हैं। आप तो मैंने जिस काम के लिए शिव को गुरु बनाया था मुझको लगा भाई हो गया, मैंने चमत्कार के लिए गुरु बनाया था। शिव को मैंने गुरु बनाया था बहुत रद्दी काम के लिए, बहुत छोटे से काम के लिए, और वो चमत्कार सीखने के लिए मैंने शिव को गुरु बनाया था। वो जादू टोना जो होता है ना, वो सीखने के लिए मैंने शिव को गुरु बनाया था। 8 वर्षों में शिव को गुरु बनाने के 8 वर्षों के बाद मुझको लगा कि ये गुरु है, गुरु का काम करते हैं। इसी बीच में मैं सरकार में डिप्टी कलेक्टर हो गया, इसी बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर हो गया, और मेरी बदली मधेपुरा में हो गई।
जहाँ मैं बच्चा था तो स्कूल जाता था और वहीं श्मशान भी जाता था। वहाँ जिला स्कूल सहरसा में मैं पढ़ता था तो स्कूल में पढ़ता था और रात में श्मशान जाता था। वहीं बगल के जिले में जब मैं मजिस्ट्रेट होते गया 1982 में 1982 में, तो वहाँ के लोगों से जब मैंने कहा कि भैया अभी भी आप लोग मशान साध रहे हैं क्या, तो लोगों ने मुझसे कहा हाँ अभी भी हम लोग मशान साध रहे हैं, श्मशान जाते हैं। मैंने कहा कि आप शिव को गुरु बनाइए, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि हमको पहले से मालूम है कि शिव गुरु है। मुझको आश्चर्य हुआ कि हम ही को नहीं मालूम है कि शिव गुरु है, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है। उन लोगों ने मुझको बताया कि किताब में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तब मैंने जाना कि शिव गुरु है ये लोग जानते हैं, मैं ही नहीं जानता था। शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद मैंने जाना कि दुनिया जानती है कि शिव गुरु है, और मैंने शिव को गुरु बनाया, मैं ही नहीं जानता था कि शिव गुरु है। मैंने तो भगवान समझ के उनको अपना गुरु बनाया था। और तब मैंने कहना शुरू किया कि उस शिव को अपना गुरु बनाओ। आज तो ये भीड़ बता रही है, हर जगह भीड़ बताती है कि शिव गुरु हैं और लोगों का शिव गुरु से जुड़ाव है। यही नहीं, यूपी में, राजस्थान में, कई जगहों में शिव गुरु महोत्सव में मैं जाता हूँ, लोग कार्यक्रम करते हैं, लोगों की भीड़ बता देती है कि शिव गुरु है। बताइए, मैं 32 साल सरकार की नौकरी में रहा, कहीं कहाँ जाता था, कितनी छुट्टियां मिलती थी प्रशासन में, एक डिप्टी कलेक्टर को, एक एडीएम को कितनी छुट्टी मिलती। लेकिन तब भी देखिए, वह गुरु शिव गुरु है और उसको गुरु मानने पर परिणाम है, रिजल्ट है, नतीजा है, तभी तो इतने लोग शिव को गुरु मानते। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास नहीं किए, हम लोगों ने तो बहुत कोशिश नहीं की, तभी इतने लोग शिव को गुरु मानते हैं। यह नतीजा बता रहा है, यह परिणाम बता रहा है कि वो गुरु है। लोग शिव को गुरु मानते हैं, उनको परिणाम मिलता है और तब वो चलते हैं, तब वो शिव गुरु की चर्चा करते हैं, उनसे दया मांगते हैं, उनको प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। ये बात शुरू कैसे हुई, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, सोचिए। 1974 में मैंने सोचा था कि शिव को गुरु बनाएंगे। 1974 में 36 साल हो गए ना, 1974 में मैंने रात के 2 बजे आरा के गांधी श्मशान में केवल सोचा था कि शिव को गुरु बनाएंगे भगवान समझ के। मैं तो जानता भी नहीं था, सोचा तो आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मानते हैं, केवल सोचा ही था कि शिव मेरे गुरु है, और इस सोच पर मैं खड़ा रह गया। आप सोच भी नहीं सकते कि शिव गुरु है मेरे, क्या उसी को गुरु बनाना है। और ये बात बड़ी पुरानी है, हम लोग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि कुछ में नया नया हो कुछ इसमें, वो गुरु है, ये बात बड़ी पुरानी है। बहुत सारे मेरे पिताजी डायरेक्टर थे बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के, उन्होंने शिव को गुरु नहीं माना। मेरे पिता आप मैं कहता डालिया जी शिव को गुरु बनाइए, वो एक ही बात कहते थे कि आपके पैदा होने के पहले से हमको मालूम है कि शिव गुरु है। मैं आपके कहने से शिव को गुरु क्यों बनाऊं, यानी लोगों को पता है कि शिव गुरु है। मेरे पिता कहते थे कि आपके पैदा होने के पहले से हमको पता है कि महादेव गुरु है, आपके कहने से देव आप मेरे गुरु है, हम पर दया कर दीजिए। इससे आपका बिगड़ता क्या है, आपका इसमें खर्च क्या होता है। और इस काम को करिएगा ना तो नतीजे बता देंगे, परिणाम बता देगा कि इससे लाभ क्या। वो गुरु है, हमारी किताबों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों ने गलत नहीं कहा है, वो गुरु है। लेकिन उसको गुरु मानने का सिलसिला ही नहीं शुरू हुआ, उसको गुरु मानने की परंपरा ही नहीं शुरू हुई, किसी ने शुरू ही नहीं की इस बात को, इस सिलसिले को किसी ने शुरू ही नहीं किया। और गुरु मानने में कुछ लगता नहीं है, मात्र हमारी आपकी सोच एक ही अंतर आता है, सोच से हटिए मेरा मत।
इस विचार से कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं मुझ पर दया कर दीजिए, इस विचार को छोड़ दीजिएगा तो रिश्ता टूट जाएगा। बिल्कुल सामान्य बात है, किसी से दोस्ती करने का विचार छोड़ दीजिए तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, किसी को बाप मानने का विचार छोड़ दीजिए तो बाप बेटा का रिश्ता टूट जाएगा, किसी को पत्नी मानने का विचार छोड़ दीजिए तो संबंध खत्म हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से शिव को अपना गुरु मानने का विचार छोड़िए मत, खड़े रहिए। ट्रेन वाली दोस्ती या बस वाली दोस्ती मत करिए, ट्रेन में होता है ना साथ चलते हैं सामने वाले से खूब रात में दोस्ती हो जाती है, बस में साथ चलते हैं बगल के में बैठे हुए को पैसा यात्री से खूब दोस्ती हो जाती है, बस से उतर के साथ चाय पीते हैं पैसा भी उसके चाय का हम आप दे देते हैं, लेकिन यात्रा खत्म, बस से उतरे दोनों और संबंध भी खत्म। इस तरह से नहीं, ऐसी दोस्ती मत करिए, ऐसा शिष्य भाव मत पालिए। उनका कोई भरोसा नहीं था मुझको, लेकिन मैं कहा जाता बहुत सारे गुरुओं को जो मुझसे मिले थे या मैं जिनसे मिला था उनको छोड़ के मैं आया था, लाचारी शिव को गुरु माने बैठा रहा, ये जानता था कि शरीर में नहीं है तो मंत्र कौन बताएगा। जिस तरह से आप समझते हैं कि मंत्र कहां से देंगे, महादेव शरीर में तो है नहीं, वो बोलेंगे कैसे शरीर में तो है नहीं, वो कुछ बताएंगे कैसे शरीर में तो है नहीं। ठीक उसी वजह से मैं भी सोचता था शिव के रूप में, दो वर्षों तक प्रेत मुख से मिलते रहे महादेव के रूप में, मुझको लगता था कि जब प्रेत महादेव का रूप लेते हैं तो पता नहीं महादेव है कि नहीं है भारी फेरा, मेरे साथ और प्रॉब्लम था और दिक्कत थी, लेकिन सच बताए मैं बैठ के रोता था, यही मुजफ्फरपुर है यही जिला है और यहीं से शिव शिष्यता की मूल शुरुआत यहीं से हुई है। आपके तुर्की एक जगह है बगल में, मैं शिव को गुरु मान के तुर्की में बैठ के रोता था कि कहां साला फंस गए हम शिव को गुरु बना के। और एक शाम की बात है कि मैं तुर्की में अपने डेरे से निकला, मेरे फादर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय 74-75, मैं डेरे से निकला पान खाने के लिए, पान की दुकान पर गया, पान खाके दुकान से लौटा और अपने डेरे में हाथे में कुर्सी निकाल के मैं बैठ गया, शाम का समय था और उदास रहता था कि हम फंस गए, पढ़ाई लिखाई चौपटे हो गई, रात भर मशान में रहते हैं, आई शिव को गुरु मान बना लिया, कुछ इसमें महादेव शरीर में आए नहीं, यहाँ तो प्रेत भी महादेव का रूप ले लेते हैं, भारी फेरा है। और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, शिव को गुरु माने एक साल हुआ था, आपकी धरती महान है भैया, मैं इस मुजफ्फरपुर को प्रणाम करता हूँ, वैसे एक साल मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ा भी हूँ 66 में, लेकिन मुझको शिव शिष्यता सोचा था मैंने आरा में शिव को गुरु मानने को, और शुरुआत हुई थी मुजफ्फरपुर में, यही तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज का हाथा है ये। तो मैं शाम को पान खाते कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपने डेरे में नहीं आता था, खाना खाने जाता था, एक दूसरा कमरा लिए हुए था मैं जिसमें रहता था, जबकि पिताजी का बड़ा बंगला था मैं उसमें नहीं रहता था, इसीलिए मुझको गुस्सा बहुत था कि फंस गया। शाम का समय था, जिस कमरे में मैं रहता था उसकी चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में था, कुर्सी पर बैठा था, कहीं कुछ नहीं था, शांत था, सामने हाजीपुर मुजफ्फरपुर की सड़क है, उस समय पुल नहीं बना था इसीलिए बहुत कम गाड़ियां उस रोड पर चलती थी। अचानक क्या हुआ कि मेरी सांस पर नमः आया और सांस निकली तो शिवाय उतर गया, सुनिएगा ध्यान से, इसीलिए सुना रहा हूं कि यह मुजफ्फरपुर है और यही मुझको मंत्र की दीक्षा मिलेगी। नमः हवा के झोंके से लोग सुनता है पागल के यह लक्षण हो, तो मैं बैठा हुआ था कुछ
कुर्सी पर चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में था, चुपचाप बैठा था, कहीं कोई एक आदमी नहीं था। मेरी माँ थी, वो आंगन में थी भीतर, मैं बाहर हाथे में कुर्सी पर बैठा हुआ था, सूरज डूबा नहीं था। अचानक हवा का एक झोंका आया और मेरी सांस पे नमक चढ़ाया और शिवाय लेके उतर गया। मुझको लगा कि, और मेरे मुंह से अचानक निकला, मेरे मुंह से अचानक निकला, रे ने इतने तक खोजे प्राणी। देखिए, सांस पर नमा चढ़ा, शिवाय उतरा, चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में था, कुर्सी पर मैं बैठा था। जैसे सांस पर मंत्र चढ़ा, मेरे मुंह से निकला, रे इतने तक खोजत रही है, अचानक निकला, बिना सोचे समझे निकला। जैसे सांप देखते हैं आप, सोचते बोलते हैं बाप रे बाप, अपने ही कहना था, ठीक उसी तरह से मेरे मुंह से निकला, रे इतने तक खोजत रही। इतने जोर से मैंने कहा कि रे इतने तक खोजत रही है कि उतना बड़ा बदला है वहां। माँ मेरी आंगन में थी, उन्होंने पूछा, अरे कहा भूल आए रे। सोचिए, जो आदमी देख नहीं रहा है वो सही सवाल कर रहा है। हमने जैसे कहा कि रे इकड़े तो खोजत रही, माँ ने आनंद से कहा भूल आई रहा। मैं होश में नहीं था, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, हाथ में चाबी का गुच्छा था, वो गिर गया, घास पर गिर गया, अचानक पकड़ के गिर गया। माँ के सवाल का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और नीचे से झुक के मैंने घास पर से चाबी उठा ली, चाबी का गुच्छा मैंने झुक के घास पर से हाथ में उठा लिया। दोबारा माँ ने भीतर से आवाज दी, अरे का भूल आई रहा, उनको लगा कुछ भूल गया है, अरे का भूल आई रहा। सुनना, तब मैंने जवाब दिया, चाबी के गुच्छा गिर रहा मिल गई, चाबी हाथ से गिर गई थी, मैंने जवाब दिया, वो चाबी के गुच्छा गिर रहा मिल गए। देखिए, उसके कई वर्षों के बाद मैंने सोचा कि सही उत्तर दिया था मैंने कि चाबी का गुच्छा गिर गया था मिल गया, सही उत्तर दिया था। उस समय तो नहीं, उस समय तो ऐसे ही उत्तर दिया था, 10 साल के बाद मैंने सोचा था कि सही उत्तर मैंने माँ को दिया था, तो दुनिया में नहीं है वो, कि चाबी के गुच्छा गिर रहा मिल गए। यही नमः शिवाय मुझको मिला। 74 में गुरु माना, कोई भरोसा महादेव पर नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। नमः शिवाय मुझको 75 में, यही मुजफ्फरपुर की सुगंधित जमीन है, भूमि है, जहाँ मुझको मंत्र मिले और मैंने नमः शिवाय का जप शुरू किया। इसी बीच में मैं बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर हो गया, IPS में बैठा, IPS में आया, फिर डिप्टी कलेक्टर में बैठा, डिप्टी कलेक्टर हो गया। नमः शिवाय करते 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 इसी बीच में नौकरी मिल गई, नौकरी में चला गया। आपको किस्सा सुनाया कि मैं जब मजिस्ट्रेट होके गया तो वहां के लोगों को मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाओ, उन लोगों ने कहा कि मालूम है कि शिव गुरु है। नमः शिवाय करते करते मुझको लगा कि नमः शिवाय से का प्रभाव है, ऐसा नहीं कि नमः शिवाय का प्रभाव नहीं है, लेकिन असली प्रभाव गुरु की दया का है, सचमुच का प्रभाव गुरु की दया का है। आपका आपके गुरु से जो संबंध बनता है ना, उसी के नतीजे सान्निध्य का है। कितना अपना बनाया है आपने उस शिव को, अपना बनाना भैया है तो कठिन, शिव को अपना समझ लीजिए है तो कठिन। इसीलिए कठिन है कि हम लोगों का स्वभाव है कि हम लोग बेटा को, बेटी को, धन को, घर को, जमीन को, सम्मान को अपना समझते हैं, शिव को अपना कहाँ समझते हैं। शिव को तो अपनी चीजों के लिए पुकारते हैं, अपनी चीजों के लिए आवाज देते हैं, शिव के लिए शिव को कहाँ कोई आवाज देता। अभी मैं राजस्थान में था, जयपुर में शिव गुरु महोत्सव के बाद कुछ लोग मुझसे मिलने आ रहे। हाल ही में लौटा हूं, 3-4 दिन में मैं राजस्थान से लौटा, कुछ लोग मुझसे मिलने आए जयपुर के होटल में, महोत्सव खत्म हो गया था। मिल के जाने लगे तो एक आदमी ने हमसे कहा, सर आशीर्वाद दीजिए कि महादेव के हम काम आ सकें।
ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने हमसे कहा, वो जयपुर महोत्सव के बाद होटल में मिलने आए थे लोग, कहा कि सर आशीर्वाद दीजिए कि महादेव के काम हम आ सके। हमने कहा क्या बोले जी? फिर हमने सोचा कि सोच के नहीं बोला, हम तो आप जाइए। अब 15-20 मिनट तक हम रामेश्वर मंडल जी से कहते रह गए कि सर जी बोला क्या आखिर? उस आदमी को तो मैंने विदा कर दिया। हमने मंडल सर से कहा कि सर जी बोला क्या आखिर के काम आ सके? ये बोला क्या? ये महादेव के काम आ सके, इसके दिमाग में ये बात आई कहां से? अंत में हमने यही सोचा कि बहुत लोग बिना सोचे समझे भी कुछ बोल देते, लेकिन कितनी बड़ी बात वो बोल गया। 15-20 मिनट तक हम मंडल जी से होटल में पूछते रहे कि सर ये आदमी बोला क्या? ये हमसे आशीर्वाद मांग रहा है कि महादेव के काम आ सके, कितनी बड़ी बात ये बोल गया। आज तक तो महादेव हम लोग के काम आए, ये आदमी बोल रहा है कि हम लोग महादेव के काम आ सके। क्या बोल रहा है ये आदमी? अगर ये मन से बोल रहा है, अगर ये सच्चे दिल से बोल रहा है सर ये महादेव है, तो दूसरे महादेव कहां से खोलने की जरूरत है? ये महादेव है। आज तक तो शिव हम लोगों के काम आते रहे हैं, खानदान से आते रहे हैं, ये आदमी यह बोल रहा है कि सर आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग शिव के काम आ सके। हम कहा कि सर पागल हो गए क्या? ये बोला कैसे ये बात? तो अंत में हमने यही सोचा कि बहुत लोग बिना समझे भी कुछ बोल देते हैं, यो ससुरा बिना समझे ही बोल दिया है, ताकि समझ के बोलने वाला आदमी को हमको आज तक नहीं मिला। कोई ये सोच के बोले कि हम महादेव के काम आ सके, हे महादेव उस पर दया करिए कि हम आपके काम आ सके। अगर ये कोई दिल से बोलता है तो सर वह महादेव है, दूसरे महादेव कहां ठोक रहे हैं भाई साहब? कितनी बड़ी बात बोल गया वो आदमी हमको, मैं आश्चर्यचकित रह गया। अभी जयपुर की घटना नहीं है, बेचारा क्या सोच के हमको बोला कि सर आशीर्वाद दे दीजिए कि हम महादेव के काम आ सके। हम क्या कह रहे संसार में महादेव सबके काम आता है, ये कह रहा है कि हम महादेव के काम आ सके। अगर ये अपने मन से बोल रहा है, समझ के बोल रहा है, तो सर ये महादेव है, तो झूठो हम लोग महादेव कर रहे हैं। सब शिव गुरु महोत्सव बेकार है, इसी का महोत्सव करिए। कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग तो शिव से आज तक लेते रहे, शिष्य भी है तो लेने के लिए ही है, उनसे ज्ञान लेना है, गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, शिष्य भी है तो ज्ञान देने के लिए है। थोड़ा हम लोगों की शिष्यता में अंतर, हम लोग शिव को गुरु मानते हैं लेकिन दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाते हैं। हम लोग शिव को गुरु मानते हैं लेकिन दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाते हैं, थोड़ा बहुत महादेव के काम आ जाते हैं। उस जगत गुरु को जिसका जगत में कोई शिष्य नहीं है उसका शिष्य बनाते हैं। नाम का वो जगत साधुओं की बोली में गुरु रह गया है, उसको सचमुच में गुरु बनाया जाए। और वो गुरु है सचमुच में, ऐसा नहीं है कि शिव नाम के गुरु आ गए, वो काम के भी गुरु है, वो सचमुच में गुरु है, इसीलिए नाम के गुरु है। और कुछ नहीं करना है, केवल सोचना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, और इस सोच पर खड़े रहना है। इसी सोच पर खड़े रहने के लिए, इसी विचार पर खड़े रहने के लिए हम लोगों ने कहा तीन काम करिए। शिव मेरे गुरु हैं, इस विचार पर खड़े रहने के लिए ये विचार आपसे खत्म नहीं हो जाए, मिट नहीं जाए आपके मन से, हम लोगों ने कहा तीन काम करिए। जब मौका मिले उस महादेव को याद करिए और उसको मन ही मन करिए आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। मन ही मन उस शिव को ये बात संप्रेषित करिए, ये कहिए आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। दूसरा हम लोगों ने कहा कि शिव गुरु की चर्चा दूसरों से करिए, शिव गुरु हैं ये दोनों को समझाइए, उनको शिव गुरु का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करिए। तीसरा हम लोगों ने कहा कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए।
शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए, बोल के करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन प्रणाम करिए उसको। ये तीन काम कुछ नहीं है, तीन सूत्र कुछ नहीं है, हमारे आपके विचार की आमी नटराजे चेला, मैं शिव का शिष्य हूँ, इस विचार पर कायम रखने के तीन साधन है, तीन काम है जो हमको आपको उस विचार पर खड़ा रखते हैं।